सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने जब उन सब के इख्तियारात देख लिए तो इरशाद फरमाया कहा तुम सब दिखा चुके अपनी अपनी ताकत, कहा आप सब छोड़ो, अगर तुम जिसकी इबादत करते हो वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने लग जाए तब तुम्हारी सारी ताकत अपनी जगह, मगर सारी ताकत दिखाने के बाद तुम कहते हो ये हमारा माबूद है, सारा पावर दिखाने के बाद कहते हो ये हमारा माबूद है, तुम्हारा माबूद अगर मेरे नबी का कलमा पढ़ने लग जाए तो तुम क्या कहोगे? लोगों ने खामोशी इख्तियार की, ये नहीं हो सकता। हजरत ने एक सलम को अपने हाथ में उठा लिया और उठाकर सुल्तान ने अपनी जबान फैज़े तर्जमान से हजरत मखदूम छोछा ने उस पुते संगीन से कहा ऐ पुत अगर मेरा दीन सच्चा है और मेरा मुस्तफा सच्चा है तो पढ़ मेरे मुस्तफा का कलमा। उस पत्थर से आवाज आती थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना वग़फिर लना वग़फिर लना मा मवा या वासिअल करम अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते, ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुरमते रूहे पयंबर एक नज़र कुनसुए माँ, मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे, बसुए माँ गरीबा यक निकाहे, पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक, एक नजरदारी बरहाली माँ परेशान गौसे पाक, ली खमसतुन उत्फी बिहा हर वल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तवा वब ना हुमा वल फातिमा, गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम, नदारम दर जहां जुज़्तु हबीबम, मर्ज़दारम ज़िविसियां रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम, बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनाहकारम वलेकिन खुश नसीबम, इलाही खैर करदानी बिहक मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए तमाम तारीफें हैं, तमाम खूबियाँ हैं। मेरा अल्लाह सारी कायनात का खालिक है और हर चीज का हकीकी मालिक है। दुनिया में जिसको जो कुछ मिला है सब उसी की शाने आता है। वो जिसे चाहता है नबूवत अता फरमाता है, वो जिसे चाहता है रिसालत अता फरमाता है, वो जिसे चाहता है विलायत अता फरमाता है, वो जिसे चाहता है अपना बनाता है। वो जब चाह ले तो हजारों साल सजदे करने वालों के सजदे को भी रद्द कर देता है और अगर चाह ले तो एक बार सुभान रब्बियल आला कहने वाले को भी अपना बना लेता है। ये सब उसकी मर्जी पर मौकूफ है। वो अकेला है, तन्हा है, यकता है, बेनजीर है, बेमसील है, बेबदील है, लाशरीक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हम उसकी तौहीद के कायल हैं। वो वाजिबुल वजूद है, सारी कायनात का वजूद उसकी जात की बरकत की वजह से है, उसकी जात की वजह से है। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसका अपना वजूद अपनी जात की वजह से है। सारी दुनिया उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। सारी सारी रात अल्लाह के बंदे सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ के इल्लल्लाह की जरबे लगा के जंगलों में इबादत कर करके नमाजों की पाबंदी करके सदका खैरात कर करके उसी को मनाने की कोशिश करते हैं। वो जब राजी हो जाता है तो फिर अपनी विलायत और अपना कुर बंदे को अता फरमाता है। इसीलिए तमाम तारीफें उसी को जेबा हैं जिसने हमें और आपको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जात अता फरमाई। सलातो सलाम नबियों की मुकद्दस
مقدس جماعت پر بالخصوص امام الانبیاء والمرسلین کی ذات اقدس پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو ایک خدا کا پتہ بتایا۔ آئیے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق جی لگا کر باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لے، پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا نبی کینا مقوانا و ملجانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات و تقضی لنا بها جمیع الحاجات و تطہرنا بها من جمیع السیئات و ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات و تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات و انت علی کل شیء قدیر۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، آپ سبحان اللہ صرف ترنم میں پڑھنے والے کے اشار پر کہیں گے واہ سبحان اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے۔ یوں تو سب کچھ انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، یا رسول اللہ اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں۔ ہم نے تو عمر ساری کھیلوں میں گنوائی ہے، ہم نے تو عمر ساری کھیلوں میں گنوائی ہے۔ اشعار بہت ہے مگر اس کلام کا ایک مشہور زمانہ شعر، طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور مسعود موقع پر اس مقدس محفل میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ دارالعلوم اشرفیہ محبوب یزدانی کی دستار بندی کا، ان کے طلبہ کی دستار بندی کا بھی منظر آپ نے دیکھا، اور صوفی ملت حضرت صوفی سید فضل حق صاحب قبلہ کا پہلا عرس ہے جس کے مبارک موقع پر ہم اور آپ یہاں حاضر آئے ہیں۔ یہ ان کے سجادہ و جانشین سید آصف صاحب کی محنتیں اور کاوشیں اور ان کے مریدوں اور ماننے والوں کی یہ انتھک کوششیں ہیں کہ مبارک عرص مبارک اس مقدس موڑ پر آ گیا کہ رات کے 2 بجے بھی اتنی کثیر تعداد میں آپ لوگ الحمدللہ بیٹھے ہیں، گھنٹوں سے بیٹھے ہیں۔ ہماری کیا محنت، ہم تو گھنٹوں بستر پر لیٹ کر آپ کے روبرو ہوتے ہیں، اور حالات ہمارے ممبر کے یہ ہیں کہ جس جو اپنی غزل سنا لیتا ہے وہ پھر اپنے بستر کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں قربانیاں ہیں تو یا تو ناظم اجلاس کی ہوتی ہیں یا انتظامیہ کی ہوتی ہیں، اور بالخصوص اگر جلسے کی کوئی رونق ہوتی ہے تو وہ رونق وہاں کا مجمع یعنی آپ لوگ ہوتے ہیں۔ گھنٹوں آپ اپنے ایک پیر پر بیٹھتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کا ثبوت پیش کرتے ہیں، سردی کو برداشت کرتے ہیں، ہمہ ہمی کو برداشت کرتے ہیں، کبھی کبھی کسی کو مائک پر بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صبر و تحمل کا دامن تھام کر اپنے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے گھنٹوں محنت سے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ نہ سوچئے گا کہ کوئی مائک پر آ کر اگر کرسی کے اوپر بیٹھ جائے تو سب سے زیادہ اجر اسی کو ملے گا، نہیں نہیں نہیں، اللہ رب العزت نیتوں کو جانتا ہے اور وہ اس کے فرشتوں کو یہ حکم فرماتا ہے جس کی نیت جیسی ہے اس کا ثواب بھی ویسا ہے۔
इसलिए जरूरी नहीं बेशक, है बेशक, कि मुकर्रर साहब उतना सवाब कमा ले जितना आप कमा लेते हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिंबर के ऊपर बैठने वालों में वो वस्फ नहीं होता जो मजमे के अंदर बैठने वालों में होता है। मेरे जुमले सख्त लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं इसी तरह की बात करने का आदी हूं। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, हालांकि मैं अपनी रुदात नहीं सुनाता, लेकिन बात आ गई तो मैं अर्ज करता चलूं। उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा, सादात की भी तवज्जो चाहूंगा, इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों की भी तवज्जो चाहूंगा। ये जो मैंने जुमला कहा, बाज मरतबा ऐसा होता है कि मिंबर के ऊपर बैठे लोगों में वो वस्फ नहीं होता जो जनाबे वाला मिंबर के सामने बैठे होते हैं। बाज मरतबा ऐसा होता है, तवज्जो के साथ हजरत में एक जगह तकरीर कर रहा था और तकरीर करने के बाद एक साहब मुझे मिलने के लिए आए और जब मुलाकात करने आए तो दौराने गुफ्तगू बाद हुस्ने मुस्तफा की निकल आई। हुजूर अली सलातो सलाम के जमाले जहां आरा की गुफ्तगू चल पड़ी। उन्होंने तन्हाई में मुझे धीरे से कहा, हुजूर फला फला मौके पर अल्लाह के फजल से मैंने ख्वाब में हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन की ज़ियारत की। एक आशिक की मंजिल यही है, बस हुजूर की ज़ियारत हो जाए। आशिक कहता उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में, देखने की है सारी बहार आंखों में। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, एक आशिक की तड़प यही होती, इतना तो करम करना ऐ नरगिसे मस्ताना, ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जनाब मकसूद ही यही है, काश एक बार उस रुखे वद्दुहा को देखें जिसके नूर की रोशनी से कायनात जगमगा रही है। लेकिन गौर करने का मकाम यह है, मैं ये बात सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ ताकि आपकी हौसला अफजाई हो सके। आप घंटों बैठकर अपने रसूल की रजा के लिए, अपने माबूद की रजा के लिए बैठे रहते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर अता फरमाए। देखे वो शख्स मजमे में बैठा था जिसको ज़ियारत मुस्तफा हो चुकी थी, मैं सोचने लगा या अल्लाह ये राज तो पहली बार खुल गया। हजारों के मजमे में न जाने कितने लोग ऐसे होते होंगे जिन्हें मुस्तफा ने अपना जलवा जहारा दिखा दिया होगा और उस मंजिल पर वो पहुंच चुके होंगे जिस मंजिल पर पहुंचने के लिए मिंबर पर बैठे हुए बहुत से लोग तड़प रहे होंगे। इसलिए अपनी अकीदतों को कभी मजरूह न होने दीजिएगा। हम अहले सुन्नत हैं, हमारा मुस्तफा हमारी अकीदत को देखता है और हमारा इमाम कहता है फरियाद उम्मती जो करे हाले सार में मुमकिन नहीं के खैरे बशर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सूफिया मिल्लत, वल्लाह सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। आज हम अपनी मुसीबतों पर आह कर रहे हैं लेकिन हम उम्मीद की निगाहें अगर उठाते हैं तो नेताजी की तरफ ले जाकर छोड़ देते हैं। अगर हम तमन्ना की निगाहें उठाते हैं तो पीर साहब की दहलीज तक ले जाकर छोड़ देते हैं। सवाल यह है कि हमें हुजूर से अपने रिश्ते मजबूत करने पर कौन रोक रहा है? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मनकवत पड़ी जाए तो नोट बरसते हैं और लोग खुश होते हैं, और हुजूर की नात पड़ी जाए तो लोग सुभान अल्लाह कहने में भी कंजूसी करते हैं। ये ईमान वालों का काम है? सिद्दीक अकबर मखलूक में सबसे अफजल है नबियों के बाद, और उन्होंने कायनात के मुख्तार की अजमत बताई और ये दिखाया बारे सौर में कि हुजूर की नींद से ज्यादा कीमती अबू बकर की जान नहीं है। तवज्जो है, आप सुन रहे हैं, जिसकी अजमत ये है कि सिद्दीक अकबर जैसी जात उनकी नींद के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। उनकी नींद के लिए हम उनकी सुन्नतों का मजाक बना के समझते हैं कोई वली हमसे राजी हो जाएगा। ये खामोशी बनाए रखे भाई, खामोशी के साथ। रुदाद सफर सुनाने वाला मौलवी नहीं मैं, इसलिए तवज्जो के साथ सुनिएगा। माइक दे दूं आपको, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
ईमानदारी से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद इम्मादनिल जूद वल करम मंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल कय्यूम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हमारे ईमान में सबसे पहले हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की जात है, बल्कि उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, अल्लाह की वहदानियत का पता भी मुस्तफा करीम ने हमें और आपको अता फरमाया है, वरना हुजूर जिस दौर में आए थे उस दौर में बहुत से लोग करोड़ों माबूदों की इबादत कर रहे थे, लेकिन करोड़ों माबूदों की इबादत से खींचकर एक खुदा की इबादत की तरफ लाने वाली जात का नाम मोहम्मद अरबी है। इसीलिए हजरत शेख मुजद्दिद अल-फैसानी ने कहा था, मैं अपने माबूद को माबूद इसलिए मानता हूं अजमत के साथ कि वो मेरे मोहम्मद का खुदा। बात समझ आई आपको? हुजूर इतने अहम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक उस जात का नाम है, दुनिया का कोई भी वली, कुछ कीमती बातें सुन लीजिए जरा सा, कोई भी वली, हजरत दाता अली हजवेरी ने लिखा है अपनी किताब कशफुल महजूब में, फरमाते हैं बंदा उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक के सिद्दीक की सदाकत के असरात, उमर फारूक की अदालत की खैरात, उस्मान की सखावत की खैरात, अली हैदर के शुजात की खैरात, उनकी विरासतों के हिस्से जब तक बंदे में नहीं आते, अल्लाह किसी को अपना वली नहीं बनाता। पता चला अगर दिल में सिद्दीक की मोहब्बत नहीं है तो विलायत का करीब से भी गुजर नहीं होगा। बात समझ आ रही है आपको? और सिद्दीक उस जात का नाम है जिसके लिए सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लोगों मैंने सबका एहसान पूरा कर दिया है, लेकिन कयामत के दिन ही सिद्दीक अकबर के एहसानात का बदला दिया जाएगा, क्योंकि अबू बकर के एहसान का बदला खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला देगा। मैं सिद्दीक अकबर की अजमत पर फिर कभी बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सहाबा की अंजुमन में जो अफजल है, मुस्तफा की उम्मत में जो अफजल है, नबियों के बाद तमाम उम्मतों में भी जो अफजल है, उसने हमें और आपको यह तसव्वुर दिया कि हुजूर की नींद से ज्यादा हमारी जान कीमती नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? लेकिन अफसोस है कि हम कहां से कहां आ गए। हमारी जिंदगियों में हुजूर अलैहिस्सलाम की मदहसराई का एक महदूद तसव्वुर रह गया, हमारी जिंदगियों में हुजूर के तरीके पर अमल करने का तसव्वुर खत्म हो रहा, और हम ये सोच रहे हैं कि फकत नारों से बख्शिश हो जाएगी, हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ जलसों से बख्शिश हो जाएगी। मेरे जोले सख्त लगे फिर कहता हूँ माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है तो चूंकि इसी तरफ लेकर जाती है। अल्लाह अपने मकबूल बंदों का वस्फ खुद बयान कर रहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। बंदा इस दिल पर पहुंचता है कि अल्लाह फरमाता है मालिक तो मैं हूं, मगर तेरे ख्याल का ख्याल भी मैं रखूंगा, तू बता तेरी मर्जी क्या है। उन मर्जी वालों का ये लेवल है, अल्लाह फरमा रहा है वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह वालों की शान ये है, वो अपनी रातों को सजदा करते हुए गुजारते हैं, वो अपनी रातों को अपने रब के दरबार में क़याम करते हुए गुजारते हैं। कुरान ने हमें और आपको रात गुजारने का तसव्वुर दिया, कुरान ने हमें और आपको रात गुजारने की फिक्र अता फरमाई, मगर अफसोस है यहूदी कुरान पढ़ रहा है, ईसाई कुरान पढ़ रहा है। माफ कीजिएगा, बहुत से मुसल्ले पर खड़े होने वाले लोगों का भी कुरान मुकद्दस दुरुस्त नहीं है, और मैं सूरह फातिहा के मखारिज को फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं दूर नहीं जाता, लेकिन आज से अर्ज करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में इंकलाब लाना है तो पहली बात कुरान से अपने रिश्ते को जोड़िए, और दूसरी बात रहमत आलम से अपने रिश्ते को उस्तवार कीजिए। मेरे और आपके नबी ने फरमाया, लोगों तीन चीजों की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाना। ये जो माएं बैठी हैं वो भी हुजूर की ये हदीस सुने, हमारे और आपके नबी ने फरमाया अपनी औलाद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद को तीन चीजों की मोहब्बत सिखाना। कौन सी तीन चीजें? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पहली चीज मेरी मोहब्बत सिखाना। कब सुभान अल्लाह कहोगे? मोदी जी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह कहोगे? सोने चांदी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह कहोगे? अरे हुजूर की मोहब्बत में सुभान अल्लाह कहिए।
अभी ताहिर मियां वसीला की बात कर रहे थे, वसीला की बात, हुजूर से बड़ा कोई वसीला नहीं है, हुजूर से बड़ा कोई वसीला नहीं, वो इसलिए कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दुआ, सदका, खैरात, मुस्कुराना भी वसीला बन सकता है, इस पर भी सवाब है, लेकिन ये वसीले रद्द किए जा सकते हैं। अल्लाह की मर्जी है नमाज कबूल करे न करे, अल्लाह की मर्जी है रोजे कबूल करे न करे, मगर अल्लाह ने अपने महबूब को कबूल कर ही लिया। सुन्नी यूं ही हुजूर के नाम पे नहीं मचलता, वो जानता है, वो जानता है मैं नमाज पढ़ूंगा, नमाज जरूरी है, नमाज ना पढ़ने से हुजूर नाराज हो जाएंगे, लेकिन नमाज पर भरोसा नहीं है। भरोसा तो है तो अमीना खातून के शहजादे पर है, अगर भरोसा है तो सैयदा जहरा के बाबा पर है, इसलिए कि सदका कबूल हो ना हो, सदका कबूल हो ना हो, बयात कबूल हो ना हो, नमाज कबूल हो ना हो, इल्म कबूल किया जाए ना किया जाए, ये मालिके कुल की मर्जी पर है, चाहे तो कबूल कर ले, चाहे तो रद्द कर दे, मगर हुजूर ऐसा वसीला है कि आकर खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, अर्ज करेंगे मेरे अल्लाह, मेरे मुजरिम का जुर्म ना देखा जाए, मोहम्मद अरबी की शफाअत देखी जाए। जब इतना कहना होगा तो अहले सुन्नत का इमाम कहता है उस वक्त दे दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान। इसीलिए हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां जानशीन मुहद्दिस आजम ने उसी वसीले का ख्याल करते हुए कहा, किस लिए फिक्र करे हश्र के दिन क्या होगा, किस लिए क्यों, सामने उनके जो होगा अच्छा होगा, होगा तो उनके सामने ना, होगा तो उनके सामने, वो नबी जो मेरा भला करे, मेरी बख्शिशों की दुआ करे, वो नबी जो मेरा भला करे, मेरी बख्शिशों की दुआ करे, मुझे भूल जाए वो हश्र में, मुझे भूल जाए वो मुझे, अरे हश्र तो बर्पा इसीलिए किया गया था कि लोग उन्हें याद करें, उन्हें याद करें, क्यों, इसलिए कि फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अर्ज ये कर रहा था हुजूर सबसे बड़ा वसीला है। और एक बात और सुन लीजिए, उम्मत में जितने वली होते हैं मौलाए कायनात से लेकर सूफी मिल्लत तक जितने हैं ना, जितने भी अल्लाह वाले ईदम आज तक जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का वली है, उन सब के पास जो ताकत होती है, उसूल की बात सुन लीजिए, उन सब के पास जो ताकत होती है वो उस उम्मत के नबी की ताकत की खैरात होती है। और आसान करूं, वली की जो करामत होती है वो असल में नबी के मोजिजे की वजह से, जितना पावरफुल नबी होता है, जितना पावरफुल उसी हिसाब से उसकी उम्मत में वली होता है। हमारा नबी तमाम नबियों में सबसे बड़ा वसीला है, इसीलिए इस उम्मत में हजरत मौलाए कायनात है, इसीलिए इस उम्मत में शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर हैं, इसीलिए इस उम्मत में सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज है, सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा उस्मान हारूनी है, उनके पीर और मुर्शिद ख्वाजा शरीफ जिंदनी है, ये उन्हीं मुकद्दस लोगों की खैरात और बरकत है कि जानशीन गरीब नवाज हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ठहरे हैं। कौन है बख्तियार काकी, अरे जलती जली हुई रोटी को लम्हे में ठीक कर देने वाली जात का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हजरत सरकार कुतुब पाक, कुतुब पाक, ये किस्सा मैं पढ़ दूं, मैंने हनुमानगढ़ राजस्थान में पढ़ा था, उस वक्त आसिफ मियां जहां बैठे हुए हैं वहां गाजी मिल्लत बैठे हुए थे, हाँ आज है नहीं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में अल्लाह उनको सेहत कामिला नसीब फरमाए, उनकी गैर मौजूदगी में भी ये किस्सा पढ़ देता हूँ, इजाजत है,
हजरत कुतुब पाक की बात याद आ गई, चूंकि आज ही सरकार मखदूम के मखदूम अलाउल हक गंजे नबात की चौखट पर हाजिरी का शरफ मैसर आया, पूरा सफर कबूल हो गया, पूरे सफर की मेहनतें वसूल हो गई, जब गुलामों की हाजिरी मखदूम के मखदूम की चौखट पर हो गई। इसलिए कि जनाब खिजर अलैहिस्सलाम जैसे लोग जब हमारे सुल्तान अशरफ को अल्लाह समझ वजाइफ सिखाने आते हैं, अंदाजा कीजिए उनके पूरे मुर्शिद हजरत गंजे नबात की शान और अजमत क्या होगी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक और मसूद दौर था। ऐसे बड़े पीर हैं, ऐसे बड़े कि अखंड भारत का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश आपकी चौखट पर मुरीद होने आया और आपने उसको मुरीद किया। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। जब अल्तमश के मुरीद होने का किस्सा मशहूर हुआ तो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर बड़ी उम्र के थे और आकर आप उनसे मुरीद हुए, पाक पटन से तशरीफ लाए। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं, मगर दिल्ली कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की है। तवज्जो है आपकी, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। अरे माशाल्लाह, मैं तो सोच रहा था आप सो गए, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार हाथ उठा करके दें, या अली, क्या कहने। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे और मौलाए कायनात के वजूद से आपके वजूद को सलामत रखे। तवज्जो है, सुन लीजिए किस्सा, हाशिए जहन पे आ गया, सुना देता हूँ। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुबारक दौर है, ये गरीब नवाज के खलीफा है, बोलो सुभान अल्लाह। ये जब छोटे से थे ना, आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया, आपकी वालिदा मखदूमा ने फरमाया कि एक खातून से या एक बुजुर्ग से कहा कि ले जाओ किसी मदरसे में दाखला करा दो ताकि ये इल्म हासिल कर ले। वो साहब लेके गए ना थोड़ी दूर, तो एक बुजुर्ग आए और बुजुर्ग ने फरमाया कि बड़े हसीनो जमील बुजुर्ग थे, कहने लगे इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसको सही मंजिल पर पहुंचा दूंगा। उन्होंने पता नहीं कौन से जुमले कहे या क्या बात की, वो हजरत कुतुब पाक को जो लेके आया था उसने उस आने वाले बुजुर्ग के हाथ में हाथ दे दिया बच्चे का, और वो बुजुर्ग लेकर चले और जनाब एक अल्लाह वाले की चौखट पर पहुंचे और जाने के बाद उनके पास हजरत कुतुब पाक को बैठाया और बिठाने के बाद सरकार कुतुब पाक के हवाले से कहा इन्हें पढ़ाइए। बहुत तफसील में नहीं जाता लेकिन सिर्फ एक बात अर्ज करता हूँ, जब पलटे ना वो बुजुर्ग पलट गए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उनके उस्ताद के पास बिठाकर वापस पलट गए। जब पलटने लगे ना तो उस्ताद ने कहा शाहजादे तुम्हारा मुकद्दर कितना उरूज पर है। कहा क्या हुआ हुजूर, क्या फरमाना चाह रहे हैं। कहा ये जो शख्स तुम्हें मेरे हवाले करके गया और ये कह के गया कि इनको अच्छे से पढ़ाओ, ये कोई और नहीं थे, ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जो है। आप बताइए खिजर अलैहिस्सलाम जिसको मदरसा तक लेकर जाते हैं, गौसे आजम दस्तगीर की बरकतों से ये शरफ हजरत सरकार एक बार के लिए सही हजरत सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भी मयसर आया। तफसीलात में नहीं जाता, वो जली हुई रोटी का जिक्र आ गया तो मैं अर्ज कर दूं, हालांकि कुतुब पाक पर फिर कभी बोलूंगा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जात भी अपने आप में एक समंदर है। हजरत सरकार कुतुबुद्दीन बा इख्तियार काकी जो बख्तियार हो गया कसरत इस्तेमाल की वजह से, काकी कहते हैं रोटी को, फिर कभी बोलूंगा तफसील में। अभी मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो है। बादशाह के दौर में अकाल पड़ा है, कहत कहत समझते हैं, अकाल पड़ गया, अकाल समझते हैं, समझते हैं। अब तर्जुमा की भुखमरी, वो आओ वो भुखमरी के लिए कहत पड़ गया। उर्दू भी नहीं समझते, हिंदी भी नहीं समझते, बंगाली मुझे आती नहीं है, ना बिहारी आती है। तवज्जो है, चलिए इतनी तो बात है कि आप तवज्जो है समझ लेते हैं। हाँ कहीं कहीं मसला होता है, इमाम साहब को मशवरा देना पड़ता है कि आपकी जुमा में आप बताइएगा तवज्जो किस चिड़िया का नाम है। अच्छा ओहो, तो बादशाह के दौर में अकाल पड़ गया, कहत, लोग दाने दाने को तरस गए, तो बादशाह शाहजादा सादुद्दीन के दो गुलामों ने जमा किया थोड़ा सा गेहूं। तवज्जो है, ये क्यों हो रहा है, सुने गौर से सुनिए। मैं उस जात की बात करने लगा हूं जो सुल्तान मखदूम अशरफ की भी कई पुश्त ऊपर पी रहे हैं, है ना, सुनिएगा तवज्जो के साथ। जब इन मुकद्दस लोगों का जिक्र आ जाए तो मुझे समय अदब हो जाया करे, इसलिए कि इस दरबार में बड़े बड़े गौस आकर बाअदब हो जाते। ठीक, सरकारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ला रहे थे, क्या देख रहे हैं, शाहजादा सादुद्दीन एक शख्स को पकड़ के ले जा रहा, क्यों,
वो शहजादा साहब उसके सिपाही पकड़ के ले जा रहे हैं। पूछा भाई क्यों ले जा रहे हो इस गरीब को पकड़ के? अल्लाह अकबर। कहने लगे कहत पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, हालत इतनी खस्ता है कि खाने के लिए रोटी नहीं है। हमने मुश्किल तमाम एक जमा किया था और इसको आटा बनाकर इसको दिया था कि साहब मुझे रोटी बना के दे, लेकिन इसने रोटी बनाने के बजाय जब रोटी तंदूर में लगाई, वो भी कोई मस्त आदमी था, तंदूर में लगा के रोटी भूल गया कि मैंने तंदूर में रोटी लगाई, सारी रोटी जल के खाक। तंदूर समझते हैं आप ना? अरे सुभान अल्लाह, उस पर तो चलिए अच्छा, तंदूर में रोटी डाली भूल गया, आग की आग ने जला डाला रोटी को। अब जब सिपाहियों को पता चला कि मुश्किल से तो थोड़ा सा आटा मिला था, उसकी रोटी अभी जला दी तो भूखा मरना पड़ेगा, तो उसने क्या किया कि नान भाई को गिरफ्तार किया और पकड़ के ले जा रहा है कि मैं शहजादा सादुद्दीन के पास लेकर जाऊंगा और ले जाने के बाद शहजादा सादुद्दीन से इसको सजा दिलवाऊंगा, हो सकेगी तो सजाए मौत करवा दूंगा, इसने हमें भूखा मारा है। अल्लाह अकबर। लेकिन गरीबों की किस्मत तो अच्छी है ना कि उनके मुकद्दर में गरीब नवाज है। हजरत सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जानशीन गरीब नवाज सामने से आ रहे थे, सिपाही नान भाई को घसीट के ले जा रहे, शहजादा सादुद्दीन के सिपाही को जब देखा तो कुतुब पाक ने फरमाया अरे भाई इस गरीब को क्यों ले जा रहे हो? क्या इसने ऐसा सा काम किया कि रोटियां जला दी, हमें भूखा मार दिया, इसलिए लेकर जा रहे? अल्लाह वालों की शान ये होती है, अल्लाह अकबर, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतकारों की। सरदार का आलम कुतुब पाक ने फरमाया तुम्हें रोटियां ही चाहिए ना? कहां साहब रोटियां ही चाहिए? फरमाया ठीक है इधर आओ, चलो मुझे बताओ कि तंदूर कहाँ? तवज्जो है आपकी, इधर देखें, इधर तंदूर कहाँ? तंदूर के करीब ले जाकर खड़े हुए, खड़ा किया गया और तंदूर के करीब ले जाकर जब खड़ा किया गया, साहब इसी तंदूर में जली हुई रोटियां। हजरत गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा व जानशीन हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना मुकद्दस हाथ उस जलते हुए तंदूर में डाला और जो रोटियां जल चुकी थी ना उसे बाहर निकालते थे तो रोटियां गर्मा गर्म तरोताजा रहते थे। दूसरी रोटी निकाली, तीसरी रोटी निकाली, लो सिपाहियों तुम्हारी रोटी, लो तुम्हारी रोटी, लो तुम्हारी रोटी। जितनी रोटियां उसने लगाई थी जलकर कोयला हो चुकी थी, मगर गरीब नवाज के जानशीन के दस्ते करम की बरकत थी कि जली हुई रोटियां भी सलामत तंदूर से बाहर निकाली गई और एक गरीब की जिंदगी को बचा लिया। जरा ठहर कर सोचे, जो लोग जली हुई रोटियों को ठीक कर सकते हैं वो अल्लाह की अता से हमारी फूटी हुई तकदीरों को क्यों नहीं ठीक कर सकते? इसलिए अपने मुकद्दर पर नाश करें, हमारी निस्बतें उनकी चौखटों तक पहुंचती हैं जिनके बारे में इकबाल कहता है तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, उनके मुरीद और खलीफा हजरत बाबा फरीद हैं, उनके वो अपने आप में फरीद हैं, तन्हा यक्ता बेमिसाल हैं। उनके मुरीद और खलीफा सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही हैं। हजरत महबूबे इलाही ने अपने पीर का तज़किरा किसी कव्वाल से सुना था। हाँ, वो हजरत बहाउद्दीन मुल्तानी का और हजरत बाबा फरीद दोनों का जिक्र कर रहा था। हजरत सरकार महबूब इलाही कहते हैं मेरे हाशिए ज़हन पर जैसे मैंने अपने ये नाम सुना फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, कभी मुलाकात नहीं हुई थी अपने पीर से। सुन रहे हैं आप? हाँ, आज तो जनाबे वाला पता नहीं कैसा हो गया पीरी मुरीदी का रिश्ता, अल्लाह की पनाह। हाँ, पीर भी मान रहा, उसके बाद ये फैसला भी कर, पीर साहब कैसा नहीं कहना चाहिए, कोई पीर हो जा, तवज्जो नहीं आपकी। हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, हाँ उलमा की भी तवज्जो चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि आप नीम के करीब हैं, हाँ, लेकिन कुछ थोड़ा सा मेरा भी साथ दे दीजिए जैसा इतने जमाने से साथ दिया है लोगों का। सुनिएगा,
कहाँ ले जा रहे चाचा? हाँ, इसलिए ये अच्छी बात, मैंने इनको तो नहीं देखा। दुरूद शरीफ पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी पढ़ लीजिए, अगर बुरा ना लगे तो दुरूद शरीफ आप लोग भी पढ़ लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन गुलामों की शान बेमिसल बेमिसाल। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद व खलीफा हजरत बाबा फरीद हैं। हजरत महबूब इलाही ने जब अपने पीर व मुर्शिद का जिक्र सुना, गायबाना जिक्र सुना, कभी जनाबे वाला मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन वो रूहानी कशिश थी उनके नाम में। हजरत महबूब इलाही कहते हैं, मैंने जब पहली बार फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम सुना, तब से मेरे दिल में उनकी तरफ खिंचाव पैदा हो गया। मैंने उन्हें नहीं देखा था, मैंने उन्हें नहीं देखा, मगर इसी मंजिल पर आकर मैंने अर्ज किया। जरा एक बार और जुमला सुन लीजिए, हजरत महबूब इलाही कहते हैं, मैंने फकत नाम से इश्क करना शुरू कर दिया। आपको बताऊं, हजरत महबूब इलाही हर नमाज के बाद बगैर अपने पीर को देखे हुए, बगैर मुलाकात किए हुए, जिंदगी में कभी देखा नहीं, लेकिन उनसे मिलने की यह तड़प थी कि उनको पीर बनाऊंगा। तो हर नमाज के बाद या फरीद या फरीद या फरीद 10 बार पढ़ते। यह है पीरी मुरीदी का रिश्ता। आजकल तो मुरीद भी पीर बनना चाह रहा, जिधर भीड़ देखी उधर भागा। एक दर बगीर मोहकम बगीर, एक दरवाजा पकड़ो मजबूती से, वरना होगा ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर। और निचली मिसाल दे दू तो फिर धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। ऐसा ना हो कि इधर के भी ना रहे उधर के भी ना रहे। हालात तो ऐसे हो गए ना, अल्लाह माफ करे, लोग भीड़ देखकर पीर बनाने लगे, लोग जनाबे वाला माल देखकर पीर बनाने लगे। हालांकि बुजुर्गों ने फरमाया है, जिसकी निगाह जितनी ज्यादा तासीर वाली हो, ऐसा पीर तलाश किया करो ताकि दिल के मैल की जगह तुम्हारे दिल को नूरे मारिफत से भर दे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाएं कि आपको सुल्तान मखदूम पाक से निस्बत है। लेकिन तवज्जो के साथ ही अर्ज करूंगा, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा कि मुस्तफा जान रहमत की शरीयत मुतहरा को मुकद्दम रखा जाए, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन की मुबारक सुन्नत पर अमल पैरा हुआ जाए। और जब आप किसी के हाथ में हाथ दे दे तो फिर आप किसी और के हवाले से किसी किस्म की बातें नहीं सुन सकते। आप जनाबे वाला किसी की गुस्ताखी का तसव्वुर नहीं कर सकते। आप अगर अपने पीर के हवाले से भी मुजब्जब रहेंगे तो आपको फैजाने मारिफत कभी हासिल नहीं हो सकता। उसके लिए फनाइयत की मंजिल पर आना पड़ता है। बंदा अपने मुर्शिद पर जितना कुर्बान होता है, बल्कि तसव्वुफ का कायदा यह है, मुरीद को जो कुछ मिलता है वो उसके पीर के वसीले से मिला करता है। इसलिए अपने पीर से अपने रिश्ते मोहब्बत और रिश्ते वफा को उस्तवार रखिएगा, और किसी किस्म का कोई तसव्वुर अपने हाशिए ज़हन पर न आने दीजिएगा निगेटिव। इसलिए कि पैगंबर इंसानियत के वफादारों की शान और अजमत निराली है, और जिनसे उनका नसब मिलता है उनकी शान तो निराली निराली है। सैयदों को जनाबे वाला, सैयदों को किसी की ताजीम की जरूरत नहीं है। हाँ, तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों पे कभी इत्र लगाया नहीं जाता। मुझे फरमाइश हुई, मैं वो जुमले दोहरा देता हूँ, हालांकि मुझे अपनी तकरीर याद नहीं रहती, लेकिन वीडियो दिखाकर अगर याद दिलाया जाए तो कुछ बातें याद आ जाती हैं। सैयद ज़ादा अपनी ताजीम के लिए कौम का मोहताज नहीं होता, सैयद के लिए यही काफी है कि उसकी रगों में सैयदा जहरा का खून दौड़ रहा है। सैयद के लिए यही काफी है कि उसकी निस्बत मौलाए कायनात इमामुल मशारिक वल मगारिब मतलूब कुल तालिब गालिब अला कुल गालिब अमीरुल मोमिनीन मौलाल मुस्लिमीन फातह खैबर अबुल हसन हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से है। मौलाए कायनात के वो बेटे जो फातिमतुज़ ज़हरा की औलाद से हैं, उन्हीं को सैयद कहा जाता है। और जिसके मुकद्दर में सैयद होना लिख दिया जाता है, कोई कोई सालों पढ़े तो मुफ्ती बन सकता है, कोई सालों इबादत करे तो मुत्तकी
फकीह हो सकता है, कोई चार साल पढ़े तो हाफिज़े कुरान हो सकता है, कोई नौ साल पढ़े तो आलिम दीन हो सकता है, मगर कोई जिंदगी भर भी पढ़ के सैयद नहीं बन सकता। इसलिए कि सैयद होना ये बंदे का कमाल नहीं है, इंसादत बसोरे बाजू नीस तान बख्शत खुदाए बशिंदा, ये सआदत बाजू के जोर पर नहीं मिलती बल्कि कुदरत जिसे चाहती है उसे खानवादाए फातिमा में पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पीरों के पीर हम सभी है गौसुस सकलैन आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां अलैहि रहमत व रिजवान मुजद्दिदे सिलसिले आलिया अशरफिया कहते हैं, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। सदाकत में किसने तस्दीक रिसालत, बड़ों में किसने तस्दीक रिसालत सबसे पहले की, सदाकत में कोई सिद्दीक अकबर हो नहीं सकता, नबी के यार और अंसार सब अफजल है आलम में, मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता, और कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे अशरफ। लेकिन दोस्तों ये भी कहता जाऊं, जितनी जिसकी निस्बत बड़ी है उतना उसका तकाजा बड़ा है, उतना उसका तकाजा बड़ा है। निस्बत और उसके तकाजे बहुत पुरानी तकरीर मेरी मुरादाबाद संभल की इंटरनेट पर होगी, तफसील में मैं नहीं जाता और मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की सरहद तक लेकर जाता हूँ, लेकिन इतना अर्ज करते हुए जरा देखें इन मुकद्दस लोगों को। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शेखर से मुलाकात नहीं हुई थी महबूब इलाही की, और जब मुलाकात हुई ना तब की बात नहीं बताता, लेकिन आपको इश्क करना सिखा रहा हूँ। वो अपने पीर का नाम, अपने पीर का नाम हर नमाज के बाद 10 बार लेते थे, या फरीद या फरीद या फरीद। यूं ही किसी महबूब इलाही को खुसरो नहीं मिल जाता, उसके लिए पहले सालों मेहनतें करनी पड़ती हैं। हाँ, एक बार हजरत सरकार सुन लीजिए, जरा उलमा की भी तवज्जो चाहता हूँ, जरा सा सुन लीजिए, मूड बन रहा है सरकार अलाउल हक गंजे नबात की कदमों की खैरात देते हुए। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। हजरत सरकार शिराजी, सादी शिराजी नहीं, एक दूसरे हजरत शेख शिराजी हैं, हजरत जुनैद बगदादी का दौर था गालिबन, तवज्जो है आपकी, सुन लीजिए। वो 40 दिन से भूखे थे, कितने दिन से? 40 दिन से भूखे थे, और 40 दिन के बाद जब कुएं पे पहुंचे ना तो देखा एक हिरन पानी पी रहा है कुएं से, हिरन कुएं से पानी पी रहा है, और कुएं का पानी कुएं की मुंडेर तक आया हुआ है, और हिरन मुंह लगा के पानी पी रहा है। हिरन पानी पी के हटा, ये शेख पहुंचे पानी पीने के लिए, डोल और रस्सी लेके पहुंचे थे, जैसे ये कुएं के करीब हुए ना तो पानी नीचे चला गया, पानी तड़प गए। कहा मेरे मालिक, क्या मैं हिरन से ज्यादा, क्या मैं हिरन जितनी भी औकात नहीं रखता? एक हिरन के लिए तूने पानी कुएं के मुंडेर तक उठाया, और 40 दिन का भूखा प्यासा बंदा कुएं के किनारे पहुंचा तो पानी नीचे चला गया, मालूम क्या आवाज आई? का सोन, हिरन डोल रस्सी लेकर नहीं आया था। यहां तक पहुंचते पहुंचते सालों लगेंगे आपको, काश कि मेरी बात आप समझ पाते, लेकिन खैर वजाहत कर दूं। क्या कहा? हिरन डोल और रस्सी पर भरोसा करके नहीं आया था, वो फकत हमारी कुदरत पर भरोसा करके आया था, इसलिए हमने कुएं का पानी उठाया। तुम डोल और रस्सी लाए हो तो डालो डोल, निकालो पानी। अगर डोल नहीं लाते, अगर रस्सी नहीं लाते, तो फिर हम तुम्हें भी दिखाते कि तुमने हम पर भरोसा किया, तो फिर हमने तुम्हारे साथ क्या किया? लेकिन तुम डोल लेकर आए हो तो डोल से पानी निकालो, जो बगैर डोल के आते हैं उन्हें बगैर डोल के पानी दे। जुनैद बगदादी को किस्सा सुनाया गया तो जवाब आया, अरे भाई थोड़ी देर डोल किनारे रखा जाता,
और सब्र करता तो पानी कुएं से बहकर तेरे कदम तक पहुंचे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मक्तबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक लिया। सुनिए, बाबा फरीद बैठे थे, आज आज ये सुनने की जरूरत है, पिराने तरीकत भी सुने। याद आ गया किस्सा, सुना देता हूँ, बहुत जमाना पहले सुनाया था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन के पास महबूब इलाही पढ़ रहे, बाबा फरीद भी बहुत जलीलुल कद्र आलिम है, और हजरत महबूब इलाही का तो कहना ही क्या, वो अपने वक्त के जनाबी वाला उलमाओं के सरदार ठहरे। हजरत सरकार महबूब इलाही वो बैठ के पढ़ रहे थे, तो एक किताब मेरे जहन से, उस किताब का नाम चला गया। वो किताब पढ़ रहे थे, गालिबन अवारिफुल मारिफ थी, तसव्वुफ की किताब। सुनिएगा, सुन रहे हैं जो लोग सो रहे हैं उनको जगा के किस्सा सुना दीजिए, काम आएगा सालों तक। देखिए, सुनिए हजरत, कमाल पढ़ रहे थे ना बैठे बैठे, हजरत के पास भी लोग बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन यहां पढ़ने का अंदाज और होता, वहां पढ़ने का अंदाज और होता। लेकिन देखिए जरा सा कि अपने शेख के तसव्वुर से भी थोड़ा सा अलग जाने का हाल क्या होता है। सुन लीजिए, महबूब इलाही पढ़ रहे थे ना, तो एक कोई किताब की इबारत जो लिखी हुई थी अरबी, वहां थोड़ी सी ऐसी थी कि वो नजर नहीं आ रही थी, फट गई। तो अब ये बात आई कि भाई इस नुस्खे की किताब, इस नुस्खे की किताब हजरत महबूब इलाही के जहन में आया, तो भाई दूसरी किताब देखेंगे तो उसमें ये इबारत पता चल जाएगी कि भाई ये हजरत बाबा फरीदुद्दीन के पास बैठ के पढ़ रहे थे। फिर से सुन लीजिएगा, जैसे पढ़ रहे थे तो एक इबारत जो है वो फटी हुई थी, आपकी जबान से निकला कि हुजूर इसका एक नुस्खा शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल के पास भी है, शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल के पास भी। ये किस्सा हजरत महबूब इलाही का। अब थोड़ा सा मुझे शक हो रहा है कि उस वक्त मसनद तदरीस पर महबूब इलाही थे या बाबा फरीद थे, लेकिन सुनिएगा, महबूब इलाही या उस्ताद है या मुतालिम है, दोनों में से एक कंडीशन उनकी है। बड़े एहतियात के साथ मैं बयान करने का आदी हूं, इसलिए अर्ज किए देता हूं। अब नतीजा क्या हुआ, जैसे ही शागिर्द ने कहा कि शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल के पास ये किताब है, आप उस किताब को मंगवा लीजिए, पढ़ लीजिए। सिर्फ किताब दूसरे से लेने की बात थी ना, महबूब इलाही उस्ताद थे, महबूब इलाही पढ़ा रहे थे, तो आपने अपने मुरीद को उठा दिया, कहा जाओ यहां से, दोबारा मुलाकात नहीं करनी, दोबारा मुलाकात नहीं करना। क्यों? हमारी मौजूदगी में तुम्हें किसी और का ख्याल भी कैसे आया, और तुमने बहुत बड़ी मंजिल है ये, हमारी मौजूदगी में तुमने किसी और शेख का ख्याल भी कैसे किया, और ख्याल किया तो जाइए उड़ जाइए यहां से, फिर कभी मुलाकात होगी आपसे, हम नहीं पढ़ाते आप, ये मंजिल हुआ करती थी। तब जाकर महबूब इलाही और अमीर खुसरो और नसीरुद्दीन चिराग दहली जैसे लोग वजूद में आते थे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं, लेकिन कुरान क्या कह रहा है, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सज्जदन व क़ियामा, अल्लाह वालों की शान ये है उनकी रातें अपने रब को सजदा करते हुए गुजर जाती हैं, क़याम करते हुए गुजर जाती हैं, सिलसिला चलता रहा। महबूब इलाही ने किसी को अखी सिराज कहा तो वो आईने हिंद के आपके करीब में जलवा फरमा है, और उस अखी सिराज की खैरात और बरकात लेकर किसी ने एक गांव में कदम रखा तो आज पूरी दुनिया में लफ्ज पंडवा इसलिए मशहूर है कि मखदूम बंगाल का वजूद नाज वहां जलवा फरमा है। जो अल्लाह समझ इस मंजिल पर है, जिस अशरफ की आमद, तवज्जो से सुन लीजिएगा अपने सिलसिले की बात, इतनी देर से अपने सिलसिले की बात चल रही, लेकिन अपने जिस मुकद्दस नाम से सिलसिले को मंसूब करते हैं, वो नाम नामी इसमें गिरामी, वो जाते गिरामी अशरफ है, गौसुल आलम, तारिकुस सल्तनत, कुतबतुल कुबरा, महबूब यस्तानी, मीर कबीर सुल्तान
سلطان سید محمد اوحد الدین مخدوم سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی مخدوم کچوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا اندازہ فرمائے آپ کے آنے سے پہلے صدیوں پہلے غریب نواز نے آپ کا تذکرہ فرمایا, حضرت سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کی طرف اشارہ فرمایا, حضرت محبوب الہی کے دور میں آپ کا ذکر ہوا. تفصیلات میں نہیں جاتا لیکن اتنا عرض کرتا ہوں جس اشرف کے آنے سے پہلے ولیوں نے تذکرہ کیا تھا کیا مقدر تھا کہ آپ کے پنڈوا شریف میں تشریف فرمانے والے مخدوم علاء الحق گنج نبات کا جس کے قدموں کی رہنمائی جس اشرف کے قدموں کی رہنمائی خود حضرت خضر علیہ السلام کر رہے تھے, اس اشرف کی منزل ایران کے سمنان سے چل کر بنگال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھے. اپنے مقدر پر ناز کیجئے, مخدوم پاک جہاں سے پنڈوا آئے تھے وہ تو بہت دور ہے, آپ سے تو بہت قریب ہے. آپ اندازہ کیجئے مخدوم پاک جس کی چوکھٹ پر آ کر بک جاتے ہیں, سوچئے اس مرشد کی عظمت کا معاملہ کیا ہوگا. ایک جملہ اور کہوں, یاد رکھ لیجئے گا, پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی یہ جملہ آئے نہ آئے, جس کے کہنے کی وجہ سے سلطان مخدوم اشرف نے ساری زندگی شادی نہیں کی. آپ عصمت علاء الحق کا اندازہ لگائیے, یہی تو قصہ ہے. ایک دن تیبند باندھ رہے تھے, اچانک حضرت کی آمد ہو گئی, اور پھر اس کے بعد جو جملے, تفصیلات میں نہیں جاتا, واقعہ لمبا ہے, لیکن اتنا عرض کرتا ہوں جس کے کہنے پر حضرت سلطان نے شادی جیسی چیز کا تصور ترک کر دیا, آپ سوچئے کہ وہ پنڈوا کی زمین پر پنڈوا کی زمین کی کتنی قدر و قیمت کرتے اپنے دل میں رکھتے تھے. آپ جب یہاں سے سلطان اشرف کی نگری پہنچا کریں تو اللہ اکبر کسی اور کا وسیلہ بعد میں دیا کریں, پہلے علاء الحق گنج نبات کا وسیلہ پیش کیا کریں, اور اتنا کہا کریں حضور جن گلیوں میں کبھی آپ احترام سے چلا کرتے تھے فقیر اس گلی کے علاقے سے حاضر دربار ہو رہا ہے, جس گلی کے کتے کا بھی سلطان اشرف احترام کرتے تھے یہ مخدوم پاک کی اپنے پیر سے نسبت تھی, آپ نے کبھی حرم پنڈوا میں استنجا نہیں فرمایا, یہ مخدوم پاک کی اپنے مرشد کی گلیوں کی تعظیم تھی کہ ان گلیوں کے کتوں کو بھی کبھی تو کہہ کے نہیں بلایا. اللہ اللہ, کتوں کو بھی اشرف سمنان کہتے تھے آؤ آؤ آؤ, حالانکہ خود مخدوم پاک کی عظمت بہت بے مثال بہت بے مثال. عبداللہ بنارسی کے گھر گئے تھے, ایک بار سنا دوں اجازت ہے, عبداللہ بنارسی کے گھر گئے تھے اور عبداللہ بنارسی کے گھر پہنچے بنارس میں, تو جہاں آپ کا خیمہ لگا تھا مخدوم پاک کا, جہاں خیمہ لگا تھا وہاں صاحب ادھر کی عبادت گاہ بھی تھی, ادھر کی عبادت گاہ سمجھ گئے, بتوں کو پوجنے والے لوگ تھے, اور اس سے زیادہ کیا وضاحت کروں, بتوں کو پوجنے والے لوگ تھے, سنم قدے آباد تھے. واقعہ سناؤں اور سلطان کی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, توجہ ہے. وہاں تشریف فرما تھے سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو پڑوس میں دوسروں کی عبادت گاہیں بھی تھیں, اور حضرت مخدوم پاک دیکھتے یار کہ کتنی عقیدت سے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تھوڑے اگلے دن یا ایک دو دن کے بعد حضرت مخدوم پاک ادھر سے گھومنے نکلے, ادھر عبادت گاہ تھی مندر تھا, اور واضح کر دوں وہاں سے نکلے, دیکھا بڑی عقیدت کے ساتھ وہ لوگ اپنے مذہب میں عبادت, اور لوگ ملنے آ گئے حضرت مخدوم پاک سے. جب ملنے آ گئے تو بات چل پڑی, دیکھیے ایسے آنا جان ایسے ادھر سے گزر ہوا, حضرت سلطان نے کچھ نہیں کیا نہ کچھ کہا, ایسے خیر خیریت کی باتیں ہوئی کچھ نہیں کہا گیا, لیکن بات یہ آ گئی کہ تحقیقات مذاہب کی بات چل پڑی, یعنی مذہب کس کا سچا ہے اس پر بات چل پڑی, اور صرف بات نہیں چلی صرف بات نہیں چلی بلکہ راج محل والوں ہوا ایسا کہ انہوں نے اپنی طاقت دکھانا شروع کر, استدراج
ताकत दिखाना शुरू कर दिया। दूसरे मजहब के लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मिसाल के तौर पर समझिए जनाबे वाला, जिस तरह योगी जयपाल दिखा रहा था गरीब नवाज सरकार के सामने, कभी उड़ रहा है, कभी फेंक रहा है, कभी सांप दौड़ा रहा है, कभी क्या कर रहा है। इसको कहते हैं इस्तदराज, हैं? इसको कहते हैं इस्तदराज। तवज्जो है, सुनिएगा। इस्तदराज करने लगे, जब ये कंडीशन हुई, तहकीकात तहकीकात मजाहिब की बात चलने लगी और वो अपनी ताकत दिखाने लगे। एक तो मजहब किसका सच्चा, इस पर वो दलील के तौर पर पावर का इस्तेमाल करने लगे। थोड़ी देर सब्र करने के बाद हजरत कायनात हैदर कर्रार के कछार के शेरे नर को जला लाया और हजरत इतने हल्के में आपने पत्थर से आवाज को लिया, जैसे आप यहां रोज ही कोई पत्थर से आवाज निकलवाता। अफसोस, खैर क्या करें, कुछ कह नहीं सकते। ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है। तवज्जो रखिएगा, बात को खत्म करने लगा सरकार सुल्तान मखदूम पाक के इस कि इस करामत पर 1000 लोग एक साथ मुसलमान। आप अंदाजा कीजिए, जब कोई पत्थर को बुलवा सकता है, सुभान अल्लाह, पत्थर को बुलवा सकता है, जब कोई पत्थर को बुलवा सकता है, तो आप सोचिए कि वो हमारे सोए हुए कल्ब को जगा किसे नहीं सकता। जब अल्लाह की दी हुई ताकत से निगाहें पता नहीं कहां कहां तक पहुंची हुई। हजरत मखदूम अलाउल हक ने एक बार फरमाया, फरजंद अशरफ, तुम अपनी आखिरी आराम का देख रहे हो। हजरत मखदूम पाक ने अर्ज किया, हुजूर, मुर्शिद को ज्यादा, मुर्शिद पर ज्यादा रोशन है। हजरत अलाउल हक ने इसी पंडवा की जमीन पर बैठकर फरमाया, मैं देखता हूं गोल तालाब के किनारे एक तिल जैसी जगह है, उस जगह पर तुम्हारी आखिरी आरामगाह है। उस वक्त तक किछोचा मखदूम पाक नहीं गए थे, उस वक्त तक किछोचा कुफर का अल्लाह अकबर गढ़ बना हुआ था, उस वक्त किछोचा किछोचा ही नहीं था। लेकिन जरा देखें, गौर फरमाएं, हजरत सरकार मखदूम पाक को उनके पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि यहां जाना है। पता चला किछोचा आबाद है वजूद अशरफ से, लेकिन अशरफ के वजूद को भेजने वाली जात पंडवा में आ रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका पड़ोस है। उस अजीम जात जैसी अजीम जात जब यहां से खैरात लेकर जाती है, तो आप अंदाजा कीजिए कि शहनशाह पंडवा की, शहनशाह बंगाल की शान क्या होगी। हजरत मखदूम पाक, ये तो पीर को नजर आता था और मुरीद को क्या नजर आता है। इसी पर बात को खत्म करूं, मायूस ना हो कि सुल्तान पाक को नजर नहीं आता। एक दक्कन का मौलवी बारगाह करम में हाजिर हुआ और कहा, हुजूर हजरत, कब्र में सवाल होंगे होंगे, पीर मुरीद होने की क्या जरूरत है, पीर बनाने की क्या जरूरत है। हजरत मखदूम पाक ने बजाय कुछ फरमाने के इरशाद फरमाया सिर्फ इतना, वो तो कब्र में जाओगे तब पता चलेगा कि पीर की जरूरत क्यों है। सुन रहे हैं आप, कब पता चलेगा, कब पता चलेगा? वो पीछे वाले यही है ना, कहीं चले गए, हाथ उठाकर कहीं, या रसूल अल्लाह, हाँ माशाल्लाह। चलिए, पीछे वालों ने अपने को पीछे नहीं समझा और आगे वालों ने अपने पीछे नहीं समझा, ये आपकी तरक्की की निशानी है। हाँ, बात को खत्म कर रहा था, अब जो है आपकी सुन लीजिए, हमारी और आपकी आखिरत का, आखिरत की नजात के जरिया हैं ये कलिमात कि मुर्शिद के पड़ोस में बैठकर मुरीद की अजमत और मुर्शिद का जिक्र खैर हो रहा, बल्कि ये बादशाह की इजाजत है कि जनाबे वाला जिक्र हो रहा है। तवज्जो है, ये महबूब यजदानी के नाम से इदारा है। सलामत अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के वकार को सलामत रखे जिन्होंने ये नाम दिया। और जनाबे वाला, सूफी मिल्लत की कब्र पर अल्लाह बार बार रहमत अनवार की बरसात बरसाए कि इस गाँव में, इस जंगल को उन्होंने मंगल कर दिया। यकीन ये सुल्तान अशरफ की फैजान की खैरात थी, ये महबूब यजदानी नाम की बरकत है। ये लकब मुरीद ने नहीं दिया था मखदूम पाक को, बल्कि मखदूम पाक की अजमत ये भी थी, वो अक्सर हर रात को खाना काबा जाया करते थे। एक रात काबतुल्लाह के हरम में पहुंचे तो शेख नजमुद्दीन इस्फहानी सामने मौजूद थे और शेख नजमुद्दीन इस्फहानी ने 500 वलियों की मौजूदगी में मक्का के हरम शरीफ में 500 वलियों
रसूलों की मौजूदगी में जब हजरत मखदूम पाक को आते देखा तो कहा आओ आओ महबूबे यजदानी तुम्हें आना मुबारक हो। ये मखदूम पाक को महबूबे यजदानी का लकब मक्का में मिला है। नजमुद्दीन इस्फहानी ने 500 वलियों की सनद के साथ हरम काबा में अशरफ को ये लकब महबूबे नारे तकबीर नारे रिसाला। फकीर ने अपने कलाम में कहा था तलाशे हक ताला में हुकूमत तर्क फरमा कर हुए महबूब यजदानी मेरे मखदूम सिमनानी करो मुझ पर मेहरबानी। मेरे मखदूम सिमनानी तुम्हारी है जहां बानी। मेरे मखदूम सिमनानी शहे खाजा के सदके में खुदारा कर भी दीजिए हल मुनव्वर की परेशानी। रखियो तुम हिफाजत में है तेरा बेटा रूहानी। मेरे मखदूम सिमनानी।